एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो के साथ। और आज मैं दोस्तों आप लोगों को दिखाने वाला हूँ गोरखनाथ मंदिर, जो कि काफी प्रसिद्ध मंदिर है। और ये जो मंदिर है काफी बड़ी मंदिर है, लगभग 52 एकड़ में पूरा फैला हुआ मंदिर है। मंदिर के बाहर ये आप दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी दुकानें भी लगी हैं। यहाँ से आप पूजा सामग्री के सामान लेकर मंदिर के अंदर जाकर चढ़ा सकते हैं। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो में बने रहिएगा, हम गोरखनाथ मंदिर के अंदर चलेंगे और आपको दिखाते हैं। यकीन मानिए जो मंदिर है आपको बहुत ही पसंद आएगा। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर वर्ष भर हमेशा भीड़ रहती है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ तब हो जाती है जब यहाँ का खिचड़ी मेला लगता है। ये जो खिचड़ी मेला है लगभग 1 महीने तक चलने वाला मेला, यहाँ पर देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। ये मंदिर का मुख्य गेट है, इसी के अंदर दोस्तों हम चलेंगे और आपको मंदिर दिखाते हैं। ये जो मंदिर है बहुत ही भव्य मंदिर है, देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग, बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी भी काफी टाइट है, उत्तर प्रदेश पुलिस के यहाँ पर बहुत सारे जवान इस मंदिर की देखरेख करते हैं। और यहाँ पर आपको एंट्री करने से पहले आपका चेकअप होता है, आपके सामान के और आपके कोई भी ऐसी वस्तु जो कि उस नियम के खिलाफ मानी जाए उसको निकाल दिया जाता है। तो इसीलिए आप जब भी आइए तो इस बात का पूरी तरह ध्यान रखिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी रखा गया है, आप अगर अपने साथ बैग वगैरह लाते हैं या कोई ऐसी वस्तु तो आपको पूरी तरह से यहाँ पर चेकअप किया जाता है, उसके बाद ही इस मंदिर के अंदर एंट्री मिलती है। मंदिर दोस्तों आप देख सकते हैं ठीक मेरे सामने है और काफी दूर में पूरा फैला हुआ मंदिर है। तो हम आगे चलकर दोस्तों आपको एक एक जगह दिखाएंगे, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि आप इस वीडियो में बहुत कुछ मिस कर दें, इसीलिए आप अंत तक बने रहिए। काफी सुंदर यह मंदिर है दोस्तों, आप देख सकते हैं नीचे पूरा कितना पूरा एकदम संगमरमर मार्बल पूरा बिछा हुआ है, और लोगों को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए यहाँ पर लोहे की गाटर लगाई गई है। आप लाइन में लगकर, जब ज्यादा भीड़ रहती है यहाँ पर तो आप यहाँ पर लाइन में लगकर ही मंदिर के अंदर जाकर दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कभी कभी इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे लोहे की गाटर भी लगाई गई है ताकि आप आसानी से मंदिर में जाकर दर्शन कर सकें। और ठीक मेरे सामने दोस्तों आप देख सकते हैं यही है गोरखनाथ मंदिर, और पूरी तरह से संगमरमरों द्वारा निर्मित यह मंदिर है। आज से लगभग 4 साल पहले मैं इस मंदिर पर आया था, और फिर आज क्योंकि यहाँ का खिचड़ी मेला जो है काफी प्रसिद्ध मेला मानी जाती है, और यहाँ पर भारत ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क नेपाल से भी लोग यहाँ पर काफी संख्या में आते हैं, दर्शन करते हैं। ये जो जगह है दोस्तों, ये जगह बहुत पहले से ही संत महात्माओं का निवास स्थान रहा है, और इस मंदिर के देखरेख यहाँ के एक ट्रस्ट बनाई गई है, इन ट्रस्ट के द्वारा ही इस मंदिर के देखरेख की जाती है। बहुत ही सुंदर मंदिर है दोस्तों, मेरा तो मन खुश हो गया इसे देखकर। हालांकि दोस्तों हम मंदिर के अंदर दोस्तों आपको चलकर नहीं दिखा सकते, क्योंकि इसके अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, हम आपको सिर्फ बाहर से दिखा सकते हैं। मंदिर बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, और ऐसा मेरा मानना है कि आप लोग भी अपने जीवन काल में एक बार जरूर यहाँ पर आइए, बाबा के दर्शन करिए। यकीन मानिए आपको ये जगह बहुत ही पसंद आएगा, और काफी सुकून भरा यह जगह है। यहाँ पर दर्शन करने से ऐसा लगता है जैसे सब कुछ मिल गया हो, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा, इसीलिए मैं यहाँ पर दोबारा आया। इस देश में जितने भी नाथ संप्रदाय के मठ और मंदिर बनाए गए हैं, उन सभी का संचालन यहीं से होता है, गोरखनाथ मंदिर से ही। और आज के वर्तमान समय में इस मंदिर के जो महंत हैं वो श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, जो कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं।
यहाँ पर काफी ज्यादा सुरक्षा रहती है। आप जब भी आइए इस बात का पूरी तरह ध्यान रखिए दोस्तों, ऐसी कोई भी चीज अपने साथ ना लाएं जिससे कि यहाँ के लिए एक खतरा मानी जाती हो, जैसे चाकू वगैरह हुआ या फिर कैंची हुआ या फिर कोई ऐसी भी चीज, चाहे नशीला पदार्थ हो, आप यहाँ पर नहीं ला सकते हैं। तो इस बात का दोस्तों आप पूरी तरह ध्यान रखिएगा। बहुत बड़ी मंदिर है दोस्तों, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको बहुत सारे देवी देवताओं के, भगवान के दर्शन होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बजरंगबली का मंदिर है और काफी सुंदर ये मंदिर है दोस्तों। यहाँ पर आपको बहुत सारे संत महात्माओं के, देवी देवताओं के एक ही जगह पर आपको दर्शन हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों ये जगह जो है मुझे काफी पसंद आया और मैं भविष्य में भी इस जगह पर दोबारा आना पसंद करूंगा, क्योंकि ये जगह मुझे बहुत ही पसंद है। देखा जाए तो दोस्तों ये जो मंदिर है साफ सफाई के मामले में काफी अच्छा है, और एक नजरिए से देखा जाए तो एक भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से भी एक है। पूरा 52 एकड़ में फैला हुआ यह मंदिर है। जय बजरंगबली। आप दोस्तों देख सकते हैं ये बजरंगबली का मंदिर है। हालांकि दोस्तों मंदिर के गर्भगृह में जाकर हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि कैमरा अलाउ नहीं होता है, हम आपको सिर्फ बाहर से ही दिखा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम और जगहों को दिखाते हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। भीड़ भी काफी संख्या में है और ये मंदिर गोरखनाथ का काफी ज्यादा मंदिर की हाइट भी है, मेरे ख्याल से लगभग 200 फीट से ज्यादा इस मंदिर की हाइट है। इस मंदिर के हर हिस्से में पुलिस के जवान हमेशा तैनात रहते हैं। इसके हर एंगल में आप कहीं भी इसके प्रांगण में जाएंगे, किसी भी जगह पर आपको हर जगह पुलिस के जवान तैनात मिलेंगे। तो इसीलिए दोस्तों आप जब भी आइए कोई भी ऐसी चीज यहाँ पर हरकत आप करने की कोशिश बिल्कुल ना करें जिससे यहाँ के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचे। आप आइए मंदिर के दर्शन करिए, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। रात में भी दोस्तों अगर आप यहाँ पर आते हैं तो जो मंदिर है, जब मंदिर लाइटिंग से भरता है तो और भी इसकी सुंदरता बढ़ जाती है। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिरें हैं, और मुझे तो दोस्तों वास्तव में जगह इतना पसंद आया कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। मुझे तो बहुत ही पसंद आया, मैं बहुत सारे मंदिरों पर गया हूँ लेकिन यह मंदिर हमको बेहद ही खास लगा और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। बहुत नाम सुना था, खिचड़ी मेला के दिन ही दोस्तों हम आए हैं और यहाँ पर आकर हमको बहुत ही सुकून मिला। यहाँ पर आप जो भीड़ देख सकते हैं दोस्तों, ये देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और आप ये देख सकते हैं दोस्तों ये मल्टीपल पार लाइट लगाया गया है। अगर आप रात में आते हैं तो दोस्तों ये जो मंदिर है, मंदिर बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में, जब पार लाइट जब बरता है इस मंदिर के ऊपर, जब इसकी फोकस पड़ती है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके हर एंगल में दोस्तों आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान तैनात हैं, लगभग 500 से ज्यादा पुलिस के जवान इस मंदिर की देखरेख करते हैं। और इसके अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं पहले के साधु संतों के, ये संत महात्माओं की ये समाधि स्थल भी कह सकते हैं, या फिर इनकी मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। खिचड़ी मेला के दिन अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर एक परंपरा चलती है, संत महात्माओं को खिचड़ी खिलाने की परंपरा चलती है। आप देख सकते हैं लोग खिला भी रहे हैं। तो वास्तव में ये जो जगह है बहुत ही एक अद्भुत जगह है, और ऐसा मेरा मानना है दोस्तों कि हर इंसान को एक बार अपने जीवन काल में यहाँ पर जरूर आना चाहिए। यकीन मानिए दोस्तों आपको ये जो जगह है ना बहुत ही पसंद आएगा, आप कुछ टाइम यहाँ पर बिताएंगे आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। तो चलिए दोस्तों हम और भी सारी जगहों पर चलते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक मंदिर है, पहले जमाने की मंदिर है।
ये जो मंदिर है दोस्तों, मंदिर बहुत ही पुराना मंदिर है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, बहुत पुराना मंदिर है। मैंने आपसे पहले भी बताया कि यहाँ पर ये जो गोरखनाथ मंदिर है, अलग अलग काल में संत महात्माओं का निवास स्थान रहा है यहाँ पर। इसीलिए आप देख, जो हमने आपको दिखाया था, जो मूर्तियाँ स्थापित की गई थी, वो यहीं के साधु महात्माओं की, संत महात्माओं की यहाँ पर वो मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। चलिए दोस्तों, हम और भी सारी चीजों को आपको दिखाते हैं। यहाँ पर कुछ समाधि स्थल भी है संत महात्माओं की। पूरी तरह से दोस्तों ये संगमरमर और मार्बल द्वारा निर्मित यह मंदिर है, और ऐसा मंदिर जल्दी देखने को नहीं मिलता है। संगमरमर द्वारा निर्मित तो आपको सिर्फ ताजमहल ही देखने को मिलेगा, और उसके बाद तो मैं सिर्फ यही देख रहा हूँ जो पूरी तरह संगमरमर द्वारा निर्मित ये मंदिर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये समाधि स्थल है अवैधनाथ जी महाराज का। बहुत ही सुकून मिला दोस्तों हमें यहाँ पर आकर। मैं भविष्य में भी यहाँ पर जरूर आऊंगा, मुझे ये मंदिर बहुत ही पसंद आया। मैंने भी बाबा गोरखनाथ के दर्शन किए, बहुत ही सुकून मिला। ये भी आप देख सकते हैं एक समाधि स्थल है। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही शांति मिलती है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इसीलिए जो जगह है, पहले संत महात्माओं का यह निवास स्थान इसीलिए रहा, क्योंकि उनको भी यह जगह बहुत ही पसंद आया। यहाँ पास में ही एक भीम कुंड भी है, तो चलिए हम आपको वहां लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और आप ये दोस्तों देख सकते हैं, यही है भीमकुंड, भीमकुंड के नाम से जाना जाता है। और इसमें बोटिंग भी आप कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर नाव भी लगाई गई है। हालांकि आम पब्लिक के लिए हमें तो नहीं लगता कि ये होता होगा। और इसमें भी देख सकते हैं दोस्तों, काफी खूबसूरत खूबसूरत इसमें मल्टीपर पावर लाइटिंग लगाई गई है। अगर आप रात में आते हैं तो ये जो भीमकुंड है बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। तो इसीलिए दोस्तों ये जो जगह है बहुत ही खूबसूरत है। इस वीडियो को दोस्तों अब हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल महादेव सफर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।